दोस्तों आदाब। हुकूमत महाराष्ट्र ने अपना सालाना बजट पेश कर दिया है और ये बजट ऐसा लगता है कि चार महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पस मंज़र में और उसको देखते हुए किया गया है। हमने महसूस किया, बजट की जब स्टडी की तो यह महसूस किया कि दिल खोलकर हर डिपार्टमेंट को पैसा बढ़ा बढ़ा कर जो है वो मंजूर किया गया है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें बजट कम कर दिया गया है। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। 2023-24 में चूंकि लोकसभा के इलेक्शन करीब थे, इसलिए जो बजट मंजूर किया गया था 2023-24 के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, वो 877 करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा यानी 1419 करोड़ रुपये हुकूमत महाराष्ट्र ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर खर्च किए थे, ये सोर्सेज बताते हैं। अब जो बजट आया है तो तवक्को की जा रही थी कि 1419 करोड़ से बढ़कर कुछ ज़्यादा बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि हालिया लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर अकलियतों ने, मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को यानी शरद पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के हक में अपने वोट कसरत से डाले हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो महायुति आघाड़ी थी या एनडीए की आघाड़ी थी उसको ज़बरदस्त फटका बैठा, उसको ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अब तवक्को तो यह की जा रही थी कि माइनॉरिटीज़ ने, अकलियतों ने वोटिंग कम की तो उनको रिझाने के लिए 1419 करोड़ से बढ़ाकर बजट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इसके बरखिलाफ़ बजट में कटौती कर दी गई है। और अब जो बजट पेश किया गया है उसमें अकलियती डिपार्टमेंट को 947 करोड़ रुपये की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। तो यह रकम खर्च की गई 2023-24 की रकम से 472 करोड़ रुपया कम है, और इससे अकलियतों में अब यही पैगाम जाएगा कि इस हुकूमत ने फिर डंडी मारी है, फिर अकलियतों को कोने किनारे कर दिया है और माइनॉरिटीज़ के साथ में वो सही इंसाफ नहीं कर पाई है। अब ऐसे मौके पर जबकि चार महीने बाद विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और बजट को 472 करोड़ कम कर देना, कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ की अकलमंदी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये जो बजट कम किया गया है तो इस बजट के कम होने से माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से चलने वाली स्कीमों पर बुरे असरात यकीनी तौर पर पड़ेंगे। अब हुकूमत महाराष्ट्र जो है अज़सरे नौ इस बजट पर गौर करती है या नहीं करती है हम नहीं जानते। बहरहाल ये बजट ऐसा बजट है जिसमें किसी को डांटा गया है और किसी को बांटा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अवाम कह रहे हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।